ले पुत्र पानी पी ले। पुत्र खाना खा लिया बेटा? सुने ना, देख के चला। लाइट ऑफ कर और सोने दे मुझे। तो रात भर सोती नहीं है ना, मुझे सोने दे। मैं पहुंच गई। घर भी बहुत अच्छा है, आंटी भी बहुत अच्छी। अच्छा ठीक है ना, मैं आपके पास पहुंच के कराती हूँ आंटी। ओके बाय बाय। भैया सामान। कौन सा घर जाना है मैडम? भैया 402 भल्ला हाउस। भल्ला हाउस? आप ये सारा सामान ऊपर पहुंचा देंगे? नहीं, वो सब काम नहीं करता मैडम। ठीक है। संभाल के। हाय, मैं विशाखा हूँ, भल्ला हाउस नहीं रहती। तुम वही लड़की हो ना जो कल रात को फाइनल हुई हो? फाइनल? अच्छा अच्छा हाँ हाँ यार, वो मेरे को ना एकदम से अर्जेंट बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ा। दिल्ली में सब अर्जेंटली शिफ्ट करना होता है। अरे मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। चलो आ जाओ। आ जाओ। आगे बेटे। नहीं नहीं बुआ जी, ये देखो बाहर ही खड़ी है। देखो बदमाश। नमस्ते आंटी। जिंदी रहे पुत्र। इससे मिल लिया ना तूने? मेरी भतीजी है विशाखा। जी आंटी। सॉरी आंटी, वो आने में ना थोड़ा लेट हो गया। कोई गल नहीं पुत्र। आंटी वो ना पापा आपसे एक बार बात करना चाहते। हाँ हाँ बात कराओ। हेलो। हाँ पापा, मैं घर पहुंच गई हूँ, आप एक बार आंटी से बात कर लीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, साडा पीजी एकदम सेफ है, तुसी फिकर ना करो। ना ना, तुहाडी कुड़ी तो बड़ी चंगी है। तुसी भरोसा रखो, सब चंगा है यहाँ। हाँ जी मैं रखती हूँ। ओके बाय। लो बे। थैंक यू आंटी। वो पापा मेरे को छोड़ने नहीं आ पाए ना, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस थे। अरे बेटी ये सब टेंशन वेंशन लेना माँ बाप का कॉपीराइट होता है, तो टेंशन मत ले। तू है ना इसे अपना कार समझ, ठीक है? चल पुत्र तू ले जी। किस बेवकूफ ने यह सामान रखा? हाँ किसका सामान ही है? मेरा सामान। तो अपना सामान अपने पास रखो ना। आ जाते कहीं से भी मुंह उठाकर। हटो। ओ इस लड़की से तुम्हें कंग आ गई। एक ये है जो सारा दिन किच 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 करते रहती। एक वो थी जो बिन बताए पता नहीं कहाँ चली गई। 4 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन चल अच्छा कि तू आ गई। चल आ पुत्र, मैं तुझे अपना कार दिखाती हूँ। अरे बुआ जी मैं दिखाती हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना। अच्छा जा। सामान है अभी साइड पे रख दे। हाँ
आराम से। ये हमारा किचन, खाना सिर्फ बुआ जी बनाती है। चलो आओ तुम्हें बाकी जगह दिखाती हूँ। और ये मेरा रूम, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। ठीक है आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। और ये रहा तुम्हारा रूम और वो तुम्हारा बेड। ये फोटो किसकी है? अरे ये सुनैना है, तुमसे पहले यहाँ रहती थी। चलो मिश्री तुम सेटल हो जाओ, मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। बाय। कितनी बार बोलो कि सुनैना कहाँ गई, किसके साथ गई, मैंने की पता? ये तो आपको पता होना चाहिए ना। और देखिए आजकल के बच्चे सामान उठाकर कैसे कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। देखिए जी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ना तो आप यहीं आइए ना, यहीं पूछिए, बार बार फोन तो मत कीजिए ना जी। हाँ रखती हूँ। आंटी वो मेरा कबर्ड कौन सा है? ओ बेटा वो पहला वाला कबर्ड तेरा है और दूसरी वाला उसकी है ना। जा ठीक है। मिष्टी ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, ये तुम्हें गुड लक देगा, खोलो। वाओ सो स्वीट ऑफ यू। सोने भी नहीं देते। अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग मिष्टी। गुड मॉर्निंग। ऑफिस के लिए रेडी? हाँ। अच्छा सुनो वो जो तुमने मुझे कल रात को दिया था ना वो गलती से टूट गया। कोई बात नहीं मिष्टी मैं दूसरा ले आऊंगी, तुम टेंशन मत लो और ऑफिस जाओ। बाय बाय। रेणुका ये सब तुम क्या कर रही हो? क्यों डराती रहती हो मिष्टी को? क्या हम लोग सब शांति से मिलकर नहीं रह सकते हैं? तू मुझे ज्यादा मत सिखा समझे। क्या हो रही है सब? विशाखा तुम जाओ यहां से। दिनों से तुम एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम हो। हुआ तुमसे पैसों का जुगाड़? नहीं ना। और 5 लाख रुपए मैं कहां से लेकर आऊंगा? तू किसी काम का क्या है? वो क्या? निकल यहां से। एक
तुम अभी तक यहीं बैठे हो? जिनको मेरी बात तो सुन। तू किसी काम का नहीं, तू जा यहाँ से। अरे रेणुका एक बार सुन। अभी निकल तू यहाँ से। अरे बुद्धर, तू इधर क्या कर रही है? ऑफिस से आई होगी, थक गई ना? चल जा, आराम कर। निकल यहाँ से, गेट आउट। और यहाँ आना मत तुम्हारा। यूज़लेस। ओए, टिफिन वापस ले आए? और ये क्या कर रही है तू? जगह नहीं है क्या? कुछ नहीं आंटी, बस मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लड़के भी अलाउ हैं। लेकिन बेटी वो आंटी, मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज आंटी। मेरी कल से तेरे घर में तेरे फ्रेंड्स आते थे ना? क्या आते थे ना? तो यहाँ पे विशाखा के भी फ्रेंड्स आते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? फिर भी तुझे ऐसा लगता है ना, मैं उससे बात कर, ठीक है, समझा दूंगी उसे। चल ओ रेणुका, तू आ मेरे साथ इधर आ जा। जब भी बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से दूर किसी अजनबी शहर में रहने जाते हैं, तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चों को घर से दूर रहकर भी एक घर जैसा माहौल मिले, साथ रहने के लिए भाई बहनों जैसे रूममेट्स हों, और सर पर माता पिता की तरह ख्याल रखने वाले बड़ों का साया जरूर हो। और इस सब के लिए हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं पीजी यानी के पेइंग गेस्ट व्यवस्था पर। लेकिन ऐसी किसी भी रिहाइश का चुनाव करने से पहले जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि अनजान शहर में अजनबियों के बीच अपना बनकर रहना हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। हेलो, हाँ पापा। हाँ मिस्टर बेटा, घर कैसा लगा तुम्हें? ठीक है पापा। अरे इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? वो सब सो रहे हैं ना। ये अच्छा है, 10:30 बजे सो गए सब लोग। अच्छा पापा, मैं ना आपसे सुबह बात करती हूँ ऑफिस जाता टाइम। बेटा सुन, क्या क्या हीरोइन बनने आई? नहीं, वो एक्चुअली मैंने अभी ना बैंक में काम करना शुरू करा है। बैंक? तेरा बैंक एक दिन में 5 लाख रुपए देगा? What? ऐसी नहीं कुछ। यहाँ ना ज्यादा किसी के साथ घुलियो मिलियो मत, अपने काम से काम रखा कर, वरना वो दूसरी लड़की की तरह कब भागना पड़ेगा पता भी नहीं चलेगा। जी सो जा, गुड नाइट। निकल, मैं नहा रही थी। उस बाथरूम में जाके नहा। चल। आंटी क्यों है पुत्र? मैं आपके दूसरे कमरे का बाथरूम यूज कर सकती हूँ क्या? तेरे कमरे के बाथरूम को क्या हुआ? वो रेनू का है ना, उसको शायद कहीं पे जल्दी जाना था। रेनू का बिना? चल जा जा, तू जा। पुआ जी, पुआ जी, आप इस रेणुका को झेल कैसे रहे हो? उसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? परेशान कर रखा है उसने सबको। कोई गल नहीं पुत्र, सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। तुझे अपने कमरे में काम कर। पुआ जी लेकिन रुको। नाम क्या है तुम्हारा? मिस्ट्री, मिस्टर नाम है उसका। सुनैना के बारे में क्या जानते हो?
सर जी उसे कुछ नहीं पता, ये तो सुनैना के जाने के बाद ही आई है ना। बैठे तो अपने कमरे में जा। देखिए सर जी, मैंने है ना उसके पेरेंट्स से बात की है, वो ना तो कोई फोन उठा रही है और ना ही कोई कॉल शाल कर रही है। हम जब सो रहे थे ना रात को, तभी वो कार छोड़कर चली गई। और तो और, दो महीने का किराया तक भी नहीं दिया और हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ गई। अब आप ही दसो। ओके मिसेस बल्ला। हाँ जी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए। जी जरूर। हाँ पापा। बेटा तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? कुछ नहीं पापा, बस थक गई हूँ। अच्छा तुमने अपना घर भी नहीं दिखाया मुझे अभी तक। अभी मूड ही नहीं है पापा। अच्छा चलो दिखाती हूँ। देखो ये मेरा कबर्ड है, ये मेरी स्टडी टेबल, ये टीवी, देखो ये पूरा रूम है। देखो तुम्हारे चेहरे से मुझे परेशानी साफ दिख रही है बेटा। अरे घर पसंद नहीं आए तो दूसरा ढूंढ लेंगे, परेशान होने वाली क्या बात है? अरे भाई साहब, आपकी बेटी अब मेरी बेटी जैसी है और ये पीछी नहीं कार जैसा है। अब फिक्र क्यों करते हो? बच्ची का थोड़ा मूड ऑफ है, कल तक ठीक हो जाएगी। बस आपसे बात हो गई तो मैं क्यों परेशान होने लग गया? देख मिष्टी, अब तू भी बड़ी हो जा। हाँ जी। नमस्ते जी। गुड नाइट मिष्टी। ले फोन रख। तू भी क्या बात बात पर घबरा जाती है? तो मेरी सोनी कुड़ी है। जा आराम कर, मैं हूं ना तेरे सर। जा। इस घर में कदम रखते ही मिष्टी को संकेत मिलने लगे थे। जरूरत से ज्यादा आजाद ख्याल रखने वाली मिसेस भल्ला के विचारों से वो कभी सहमत नहीं थी। रेणुका जैसी बदतमीज लड़की से भी उसे हर वक्त खतरे की आशंका बनी रहती थी, लेकिन फिर भी कई बार मन बनाने के बावजूद मिष्टी इस घर को नहीं छोड़ पाई। इस घर के सदस्यों की सोच, उनके सुझावों के आगे उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज ही नहीं सुनी। नतीजा आपके सामने है। इस घर के अंदर घर का ही कोई सदस्य छिपकर मिष्टी के वीडियोस बना रहा है। कौन है वो? रेणुका, जिसे हर वक्त पैसों की जरूरत रहती है, या फिर खुद इस घर की मालकिन मिसेस भल्ला? ओए विशाखा, जल्दी बुला ला सबको, गरम गरम पकोड़े। आंटी आंटी पता है मेरे रूम में। अरे तू कहाँ ले जा रही है मुझे? आंटी कौन है ये? कौन है आंटी मेरे कमरे में? ओए खुदा, तनु कह रही थी ना कि मेरे कमरे में बैठ, इतने क्यों आ गया? ये रूम तो इस कुड़ीदा है। हाँ हाय। अरे बेटा, ये मेरा भांजा है, ननन का बेटा, पास ही में रहता है तो कभी भी आ जाता है। और एक ही सारा सारा दिन गाना सुनता रहता है। चल उठा उसे और उतर उतर। सॉरी बोले से। सॉरी। तो तुम लोग खाते रहो, मैं और बनाती हूँ। ओके मामी। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम्हें लोनली फील नहीं होता? मैं क्यों लोनली फील करूँगी? आई मीन इतने बड़े शहर में कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। किसने कहा कि मैं अकेली? आंटी विशाखा,
मिष्टी, तुम कह रहे थे ना कि मैं अकेली हूँ शहर में। ये देखो आंटी, ये मेरी माँ जैसी, और विशाखा ये मेरी बहन जैसी। तो फिर मैं क्यों लोनली फील करूंगी? तूने फिर से फ्लर्टिंग चालू कर दी, किसी को तो छोड़ दे शैतान। पता नहीं कहाँ चलेगी। हेलो, टेंशन लेते रहती है। कहाँ है तू? क्या हुआ आंटी? पुत्र, तूने रेनुका को कहीं देखा क्या? नहीं, लेकिन कल रात को तो वो आपसे बात कर रही थी ना। बात क्या कर रही थी, वो तो झगड़ा कर रही थी। उसके बाद कार छोड़ के कब चले गई, फिर कब वापस आई, अपना सारा सामान भी ले गई साथ में, और तो और किराया भी नहीं दिया। अब मैं इसे भी झेलू? सब कहां कहां से आ जाते हैं देख लो। भैया करोल बाग चलोगे? छोड़ मुझे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। देखो, मुझे तुमसे रेनुका के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी। मैं क्या करूं अगर तुझे मुझसे कोई बात करनी? And how dare you to touch me? तुम ये घर छोड़ दो। क्या बकवास कर रहे है क्या? चला जाए यहाँ से, वरना मैं सबको शोर मचा के बुला लूंगी। अरे क्या क्या बेटा, ये लड़का तुम्हें छेड़ रहा है क्या? अरे नहीं अंकल, कुछ ऐसी बात नहीं है। आप अरे कुछ ऐसी बात नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अरे क्या हुआ मिष्टी, तो ठीक है ना बच्चे? नहीं पापा, बस मेरा ऑफिस दूर है ना, इसलिए मैं बहुत थक जाती हूँ आते आते। बस मेरे को शिफ्ट करना है यहाँ से। हाँ तो ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। कोई प्रॉब्लम है तो मैं बात कर लूँ तुम्हारी पीजी वाली आंटी से। आप टेंशन ना लो पापा, मैं सब मैनेज कर लूंगा, बस मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। बाय पापा। तूने बिल्कुल सही सोचा है पुत्र, मैं खुद तुझे बोलने वाली थी कि तू यहाँ से शिफ्ट हो जाए। जब से तू यहाँ आई है एक दिन भी शांति से नहीं रह पाई। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई गल नहीं पुत्र, खाना खा ले।
दिखाना है तुझे वीडियो? ये सब क्या है? ये वीडियो किसने दिया तुझे? हाँ, किसने दिया? मेरे बाप, मेरे ये घर में एक बच्ची के साथ ऐसा हो गया। सब उसके बारे में तो हम जल्दी पता लगा लेंगे। फिलहाल हम रेणुका के सिलसिले में आए। रेणुका? उसे क्या हुआ? तालंदी कुंज के पास आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है मैम। क्या कह रहे हो? सर, इसी लेडी ने मारा है मेरी रेणुका को। सर, इसी ने ब्लैकमेल किया है उसको। उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद उससे 5 लाख रुपए फिरौती में मांगे। सर, जब मेरी रेणुका उसको 5 लाख रुपए दे नहीं पाई तो कल रात इस लेडी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। उसी की वजह से मेरी रेणुका ने सुसाइड कर दी। लाश है वीडियो? की कह रहे तू? ये देखिए आप, ये आपका ही घर है ना? ये लड़की रेणुका आपके घर में रहती थी ना? ये मैडम आपके घर का फुटेज है। ये बैट, ये डेक्स सब यहीं का है। ये तो मेरा ही घर है, पर मैंने कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। ओह, तो आपने ये सब किया है? आपने रेणुका का वीडियो बनाया और उससे 5 लाख रुपए मांगे? इसकी ये झूठ है। फिर आपने मेरा वीडियो बनाया और मुझसे भी 5 लाख रुपए मांगे। इसलिए आप चाहती थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं? हाँ, क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया? मैं आप पे ट्रस्ट करती थी। सर, इन्होंने मेरे साथ भी गलत किया। सर, इन्होंने मेरा भी वीडियो बनाया और मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। मैं सच कह रही हूँ इसमें कि सब मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये क्या हो रहा है? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? मैं विशाखा हूँ, इनकी भतीजी। विशाखा, देखिए सब क्या कह रहे हैं। विशाखा, तू ही बता इन लोगों को। सर, बहुत भारी हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। विशाखा, विशाखा आंटी ने हमारे खाने में कुछ मिलाया था, मुझे कुछ पता नहीं चला और फिर मेरे साथ किसी ने हवलदार, एक काम करो, इस घर की अच्छे से तलाशी लो। इस घर में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे मेरे कार बीच। मैंने कुछ शट अप। नहीं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। अरेस्ट कर लो इसे। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं। जो बोलना थाने में बोलना, ले जाओ इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। आपको भी हमारे साथ चलना। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसकी रिपोर्ट लिखाने। हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं और बहुत ही जल्द आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। और वैसे भी औरत 2 दिन तक हमारी कस्टडी में, तब तक हम ये पता लगा लेंगे कि इस आदमी ने आपके साथ गलत काम किया था। हम उन दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे।
मिष्टी मिष्टी प्लीज खाना खा लो। तुम ऐसे अपने आप को पनिश क्यों कर रही हो? मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी बुआ जी ये सब कर सकती है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बुआ जी ने ये काम अकेले नहीं किया, कोई तो है जो उनका साथ दे रहा है। और अगर उसने तेरी वीडियो वायरल कर दी तो? नहीं मिष्टी मेरी बात सुन, हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं कहां से लेकर आऊं? पागल हो गई है क्या? अंकल को बताएगी ये सब? अगर अंकल को पता चल जाएगा ना तो वो जीते जी मर जाएंगे। और अगर बुआ जी के साथ देने वाले को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मिस्टी मेरी बात सुन, तू बैंक में काम करती है ना, कुछ इंतजाम कर। एक बार उन्हें 5 लाख रुपए दे देते, फिर कम से कम तेरी वीडियो वायरल होने का टेंशन तो खत्म हो जाएगा। मिष्टी मिष्टी और अगर उसने तेरी वीडियो वायरल कर दी तो? अगर अंकल को पता चल जाएगा ना तो वो जीते जी मर जाएंगे। कैमरा तुम्हारे लिए। ओ, तो तुम्हें अब सच पता चल ही गया। चलो फिर अब घुमा फिरा के बात करने की तो जरूरत ही नहीं। पांच लाख रुपए दो और इन सब से निकल जाओ, समझी? और हां सुनो, तुम्हारे खाने में बेहोशी की दवा आंटी ने नहीं मैंने मिलाई। मैं तुझे कुछ नहीं दू, कुछ भी नहीं। मिष्टी। हेलो। हाँ मिष्टी बोलो बेटा। पापा मुझे तुम लोग चुपचाप से पैसे नहीं दे सकते क्या? हाँ एको सुनैना रात में गायब हो गई, न जाने कहाँ मर गई। रातों रात उसका सामान ठिकाने लगाना पड़ा ताकि बुआ जी को लगे कि वो घर छोड़ कर गई। और दूसरी वो रेणुका अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही, खुद तो पैसे नहीं दिए उसने लेकिन तुम्हें सच बता रही थी बार बार। तुम लोग मेरा काम बिगाड़ना चाहते हो और कुछ नहीं। अरे कहाँ चल दी? उस दिन रेणुका तो मामी के सामने मुंह खोल देती, इसलिए उस रात हेलो अभी यहां से निकल, आज उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। तुम तो लकी हो यार, तुम्हें एक और मौका मिल रहा है। 5 लाख लाओ और निकलो यहां से, क्योंकि पुलिस तो अब तक ये भी नहीं जानती कि ये वीडियोस बनाता कौन है। और जब तक वो मामी से पूछताछ करती रह जाएंगी तब तक तुम पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। जाती कहां है? हे पकड़ो ने, पकड़ो ने, भागे गए, पुलिस से भागे।
सुनैना की डेड बॉडी मिल गई है। उसके पास से कोई पहचान नहीं मिली। उसकी लाश हमें लवारिश लाशों के साथ मॉर्ग में मिली है और साथ में एक वीडियो मिला है नेट पर। ये देखिए, ये आपका ही घर है ना? ये कार तो मेरा ही है। पर ये आदमी कौन है? मैं इस आदमी को जानती हूँ। बता दो सारी वीडियो हमारे पास। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। ये मैं ही हूँ साहब, ये मैं ही। इस काम के लिए मुझे घर घर की चाबी दी गई थी साहब। मुझे पैसे भी मिलते थे विशाखा मैडम से साहब। और तो मैंने सोचा था कि घर के बच्चे अपना समझ के काम नहीं रह जाएंगे, लेकिन तुम दोनों पैसों के लालच में आकर हैवान बन गए। इस बच्चे ले जाओ इन शैतानों को यहां से। ले चलो ने। मेरे बच्चे। पापा कहाँ? पापा। हेलो। बेटा तू ठीक तो है ना? देख मेरी बात सुन बेटा, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ अभी इसी वक्त। अब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। हिम्मत मत हारना बेटा, हम घर वापस साथ आ जाएंगे। आज के दौर में एक ना एक दिन तो बच्चे घर से बाहर जाएंगे ही, और फिर उनके रहने की सुरक्षित व्यवस्था के लिए आप किसी पीजी या फिर किसी हॉस्टल का चुनाव करेंगे। लेकिन उस माहौल में वो कितने सुरक्षित हैं, इसके लिए जितना जागरूक रहने की जरूरत बच्चों को है, उतनी ही जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे जहां रह रहे हैं उस जगह का मकान मालिक कौन है, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। बच्चे के रूममेट्स कौन कौन हैं उनसे बातचीत करें। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कीजिए। बच्चों से समय समय पर संपर्क बनाए रखिए। और सबसे जरूरी बात, अगर जरा सा भी एहसास हो कि बच्चे किसी परेशानी में हैं, तो इस बात को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। मिस्ट्री और उसके पेरेंट्स को ये तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए थी। बहरहाल शुक्र है कि इतने मुश्किल हालात में भी मिस्ट्री ने साहस नहीं छोड़ा और खुद को बचा लिया, और अपने साथ साथ रेणुका और उस जैसी कई और लड़कियों को भी इंसाफ दिलाया जो विशाखा के लालच की शिकार हुई थी। तो इस घटना से यही सबक है और यही निवेदन कि जहां भी रहें सतर्क रहें, और खुदा ना खास्ता चूक हो भी जाए तो कभी हिम्मत ना हारें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं डट कर।